इंडिया पर जनता भरोसा करे तो कैसे करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आर्थिकी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर आम जनता को बताते हैं कि 2014 के बाद से 2023 तक इस सरकार ने इतना काम किया है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि स्थितियां इसके उलट हैं। भारत के ऊपर कर्ज तेजी के साथ बढ़ रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां बिक रही हैं और आर्थिक स्थिति 3 गुना टैक्स जनता के ऊपर बढ़ाया गया है। 2014 से 2023 के बीच में टैक्स की इकोनॉमी जो है वो 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। GST में सबसे ज़्यादा टैक्स आम जनता के ऊपर लगाया गया है, ये गरीबों तक के ऊपर लग रहा है। GST में एक जो नया टैक्स आया और इसमें भारी भरकम टैक्स अब गरीबों से भी वसूला जा रहा है, लेकिन इंडिया के जो दल हैं वो यह बात जनता के सामने बता पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात बोलते हैं इकोनॉमी को लेकर और जो बताते हैं कि हमने इतनी कमाई करी है और इतना सारा हमने विकास कार्य किए हैं, तो इसकी जो वास्तविकता है आज तक कोई विपक्षी दल इसका विधिवत जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बनी रहेगी, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के पास आर्थिक पक्ष को सोच के या जो बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार जो बोलती है तो उनका विश्लेषण करके सही बात जनता को बता पाने में विपक्ष पूरी तरह से असफल साबित हुआ है, जिसके कारण भाजपा अपनी बातें बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बोलती है और लोग मान जाते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान हैं, उसके बाद भी यदि विपक्ष उन बातों को जनता तक नहीं पहुंचवा पा रहा है तो ये विपक्ष की कमजोरी है कि सही बात भी यदि विपक्ष जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो इसे क्या होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर का रेट पहले की तुलना में 2014 की तुलना में अब बहुत गिर गया है। गरीबों की आय घटती जा रही है, अमीरों की आय बढ़ती जा रही है। जो 60 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बने हुए थे अब हम उनको विनिवेश में ले जा रहे हैं। रेलवे को हम विनिवेश में ले जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, तो ये जो सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बहुत सारा विनिवेश किया गया, यह बात विपक्ष जनता को क्यों नहीं समझा पा रहा है। और महंगाई बढ़ने के जो कारण हैं कि पहले 140 रुपये डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था, अब मान लीजिए वो 90 रुपये भी आ गया और बीच में 60 रुपये भी आ गया था, तो ये कच्चे तेल की जो पेट्रोल डीजल की टैक्स है ये सरकार ने बढ़ाया है। ये बात भी विपक्ष इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आम जनता को सीधे प्रभावित कर रही हैं वह नहीं बता पाना, ये विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। और मुझे मतलब जब तक इस मामले में विपक्ष जागरूक नहीं होगा तब तक वो 2024 के चुनाव जीतने का जो सपना देख रहा है मुझे लगता है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि यदि लड़ना है तो जनता से जुड़ी हुई बातों को जनता तक पहुंचाना होगा और विपक्ष इसको पहुंचाने में पूरी तरह से असफल है। और मोदी जी बड़े अच्छे तरीके से जो कहते हैं कि हमने देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना दी, तीसरे नंबर पर आ गए हैं, 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो आम जनता तक जो पहुंच रहा है वही आम जनता समझ रही है। अदरवाइज महंगाई, बेरोजगारी, ये जो आप बार बार बोलते हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको तथ्यों से बताना पड़ेगा ना, 2014 तक UPA की सरकार थी, तो जब UPA की सरकार थी तो UPA की जो अर्थव्यवस्था थी, आप कह रहे हो कि वो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, कर्ज कम था, लोगों के ऊपर टैक्स कम था, टैक्स खूब बढ़ाया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, तो ये बताने की आखिर जिम्मेदारी क्यों है। और जब तक जो इंडिया गठबंधन बना है सुनियोजित रूप से वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाएगा तो लोग वर्तमान सरकार का ही भरोसा करेंगे और महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा काम नहीं आएगा। और 2024 में भी यदि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी फिर से लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के आए तो आज के विपक्ष को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।